मैं बाकर अली खान, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि माननीय मोहसिन अदा मंत्री और उत्तर प्रदेश हज कमेटी के चेयरमैन और MLC हैं, उन्होंने रामपुर जब आए थे यहाँ पर तो चुनाव में काफ़ी घूमे थे। मैं उनके साथ में रहा था आकाश सक्सेना हनी जी के चुनाव में, तो उन्होंने मेरे यहाँ पर सब मुसलमानों की समस्याएं सुनी थी और परेशानी लोगों ने बताई थी अपनी, तो उन्होंने मुझे लखनऊ बुलाया था माननीय मोहसिन अदा जी ने, और उनका मैं शुक्रगुजार हूँ माननीय मोहसिन अदा जी का कि उन्होंने मुझे रामपुर जनपद का, सरकार की नीतियों का, सरकार की जो स्कीमें हैं उसके लिए, सबके लिए उन्होंने अपना रामपुर ज़िले का मुझे प्रतिनिधि नियुक्त किया है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो हज का जो कोटा था, पहले पिछले साल जो हज हाजी गए थे वो 7,800 गए थे उत्तर प्रदेश से, ये भी हमारे माननीय मोहसिन अदा जी की भी एक अच्छी बात है, उन्होंने कराई है इस बात के लिए कि अब की बार 32,000 हाजी जो हैं उत्तर प्रदेश से हज करने जाएंगे। सरकार की जो भी नीतियां हैं उसके लिए हम लोग यहां बैठेंगे, और यहां पर हमारे माननीय आकाश सक्सेना हनी चूँकि चुनाव जीते हैं और वो भी काम लेके चल रहे हैं बहुत तेजी से रामपुर को तरक्की की तरफ, उसमें जो भी सही होगा माननीय मोहसिन जी का और हमारा, हम उनके लिए तैयार हैं। और उत्तर प्रदेश के मंत्री बिल्कुल सरकार की नीति पहुंचेंगे, और खास तौर से दबे कुचले जो लोग हैं जिनका नीतियाँ नहीं पहुँचती, स्कीमें नहीं पहुँचती, नीतियों स्कीमों के लिए कैंप लगाए जाएंगे, उनको बताया जाएगा, जा जाकर बस्तियों में कैंप लगाए जाएंगे कि आपको ये नीतियाँ हैं इसमें आप अपने फॉर्म भरिए।